एक बार अलीशा नाम की लड़की जंगल के बीच में रिसॉर्ट खोलती है। वहाँ चुड़ैल का साया होता है। चुड़ैल रिसॉर्ट में घुसकर कई लोगों को मार देती है और बचे हुए लोग रिसॉर्ट छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं। रोहन, अब मैं क्या करूँ? मैंने अपना सारा पैसा इस रिसॉर्ट पर लगा दिया है। तुम वो सब छोड़ो, पहले हमें रिसॉर्ट के चारों ओर मशाले लगाकर आग का घेरा बनाना होगा ताकि चुड़ैल फिर से रिसॉर्ट के अंदर ना आ सके। फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। बेटी, मुझे लगता है अब हमें ये रिसॉर्ट बंद ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। इसका कोई तो हल होगा। मैं इस चुड़ैल को अपने पापा की बंदूक से मार दूंगी। हम यहाँ पर एक लाश रख देंगे। जब चुड़ैल इस लाश को खाएगी तब तक मैं इसे मार दूंगी। नहीं, वो तुम पर अटैक कर सकती है। मैं उस कमरे में छिप जाऊंगी और खिड़की से गोली मारूंगी उसे। फिर योजना के अनुसार वो रिसॉर्ट के हॉल कमरे में पुतले पर खून लगाकर रख देते हैं और चुड़ैल अंदर आती है। बहुत अच्छी खुशबू है। वाह, मजा आ गया। लगता है डर गए ये लोग मुझसे। मुझे खुद ही बुलाकर खाना खिला रहे हैं। अलीशा गोलियां चलाने लगती है पर चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। अरे ये क्या, बिना खाना खिलाए ही ये हाजमे की गोलियां मुझ पर बरसा रही है। अरे ये तो पुतला है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। बाहर निकलो सब। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर चुड़ैल कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी रोहन अलीशा के सामने आ जाता है। चुड़ैल रोहन को गले से उठा लेती है। अलीशा, अलीशा, तुम भाग जाओ यहाँ से। जाओ जल्दी जाओ। अलीशा को कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर मशाल ले आती है और उससे चुड़ैल को मारने लगती है। नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगी। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुड़ैल रोहन को छोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है। रोहन, मैं अब क्या करूं? ये तरकीब भी फेल हो गई। अंकल, आपको याद है वो बूढ़े बाबा जो हमें मिले थे? हमें उसे ढूंढना चाहिए, वही हमें पूरी बात बता पाएगा। इतने में बाहर से हंसने की आवाज आती है। सब लोग मशाल लेकर बाहर आते हैं। क्यों, मैंने कहा था ना, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपके पास ही आने वाले थे। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आई? इसका खात्मा हम कैसे करें? चुड़ैल बुड्ढे के पीछे ही खड़ी होती है। अरे मर गया रे, वो देखो वो चुड़ैल तो बाहर ही है। चलो सब लोग अंदर चलो। बाबा चलो आप भी जल्दी, चुड़ैल रिसॉर्ट के अंदर नहीं आ सकती। मैंने फिर से चारों ओर आग का घेरा लगवा दिया है, जल्दी कीजिए। बाहर आओ। मैं यहीं बाहर ही बैठी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली, कितने भी आग जला लो। कभी तो बाहर आओगे तुम। मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी जरूरत पड़ेगी। इस चुड़ैल की ताकत को बहुत साल पहले किसी ने एक बरगद के पेड़ से बांध दिया था, पर ना जाने कैसे ये वहां से आजाद हो गई। समय के साथ साथ इसकी ताकत और बढ़ती जाएगी और इसका शरीर और भी बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन जिसने इसे बरगद के पेड़ से बांधा था वो इसे फिर से तो बांध सकते होंगे, वो कहाँ है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका पोता जंगल से थोड़ी दूर पे ही रहता है, उसे शायद पता हो कुछ। ठीक है रोहन, हम उसके पास जाएंगे। लेकिन हम निकलेंगे कैसे इस रिसॉर्ट से बाहर? रिसॉर्ट से निकलते ही वो चुड़ैल हमें कच्चा ही चबा जाएगी। ये लो, ये धागा पहन लो। जब तक तुम्हारे गले में ये है, चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। मैंने भी यही पहन रखा है, इसीलिए मैं यहाँ जिंदा रह सका। थैंक यू बाबा। चलो अब सब लोग इसे पहन लो, मैं वापस जरूर आऊंगी। इस जंगल को इस चुड़ैल से मुक्त जरूर करवाऊंगी। हाँ चलो अलीशा, अंकल आप यहीं रिसॉर्ट में ही रहो, हम जल्दी वापस आएंगे। इतना बोलकर वो लोग रिसॉर्ट से बाहर आते हैं। आओ आओ, आ गए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे चुड़ैल उन लोगों के पास जाने लगती है उसके पैर चलने लगते हैं। अरे ये क्या, मूर्ख बाबा, तूने वो धागा इन लोगों को भी पहना दिया। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं तो यही चाहती थी कि इस जंगल में कोई ना आ सके। जाओ, चले जाओ।
ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। मैं वापस आऊंगी और यहाँ लोग फिर से आजादी से घूमेंगे फिरेंगे, बिना तुम्हारे डर के यहाँ के जानवर रह सकेंगे। ऐसा बोलकर अलीशा बाबा और रोहन के साथ कार में निकल जाती है। इसके कहने का क्या मतलब था? जो भी हो, अब ये वापस नहीं आने वाली। अब मैं इस जंगल में आराम से राज करूंगी और जानवरों का शिकार करके पेट भरूंगी। दूसरी ओर अलीशा उसी घर में पहुंच जाती है जिनसे उन्हें मिलना होता है। अरे कोई है इस घर में? कोई है? जी बाबा, कहिए। अरे बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अलीशा राजू को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे दादाजी ने मुझे उस चुड़ैल की कहानी सुनाई थी और मुझे ये तलवार दी थी कि अगर कभी भी वो चुड़ैल उस बरगद के पेड़ से आजाद हुई तो तुम इससे उस पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। वो तलवार बहुत बड़ी होती है और सोने की तरह चमक रही होती है, लेकिन उन्होंने उसी समय इस तलवार से उस चुड़ैल को मारा क्यों नहीं? उसे बरगद में कैद क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये तलवार बहुत सिद्धियों के बाद प्राप्त की थी। पहले ये उनके पास नहीं थी, लेकिन याद रखना, इसका पहला वार ही असर करेगा, दूसरा वार नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे एक ही वार में मार सकूं। फिर वो सब तलवार लेकर रिसोर्ट वापस आते हैं। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो चुड़ैल हमारे सामने थोड़ी खड़ी रहेगी। ये लो जी, मुझे मार दो। अगर पहला वार चूका तो हम सब तो गए काम से। अंकल ठीक कह रहे हैं, छोड़ो ये सब, चलो वापस शहर चलते हैं। इतनी आगे आकर मैं पीछे नहीं हटूंगी, और इतने लोगों की जान गई है उसका क्या रोहन? इतना बोलकर अलीशा तलवार उठाती है और जंगल चली जाती है। वहाँ अपनी उंगली काटती है और खून गिराती हुई रिसोर्ट वापस आ जाती है। अरे ये क्या किया बेटी तुमने? सारी मशाले भी बुझा दी और खून गिरा दिया। अब तो चुड़ैल रिसोर्ट में आ जाएगी। मैं यही तो चाहती हूँ बाबा, मैं उसका सामना करूंगी। आप सब कमरे में छुप जाओ। खून की खुशबू, वाह मजा आ गया। चुड़ैल खून को चाटते हुए रिसोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ अलीशा खड़ी होती है। अरे तू फिर से आ गई, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। इतना बोलकर चुड़ैल अलीशा पर हमला करने वाली होती है कि रोहन बीच में आ जाता है। उसने धागा पहना होता है जिसके कारण चुड़ैल को वो रोक लेता है। अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे। अलीशा, मैंने इसको पकड़ रखा है, जल्दी से इस पर वार करो, जल्दी करो। अलीशा जल्दी से चुड़ैल पर उस तलवार से वार कर देती है और चुड़ैल चलने लगती है और राख हो जाती है। शाबाश बेटी, शाबाश, तुमने इस जंगल को हमेशा के लिए मुक्त करा दिया, हमेशा के लिए। हाँ बाबा, ये सब आपकी मदद के बिना ना हो पाता, और रोहन तुम्हारा भी थैंक यू। सब बहुत खुश होते हैं और अलीशा रिसोर्ट को फिर से खोल देती है और फिर से लोग वहाँ मजे उठाने और जंगल में घूमने आने लगते हैं।